हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो गई थी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं लगा रही हूँ दरवाजे में लॉक, क्योंकि इतनी मिट्टी हो रही है, पैरों से आ रही है बाहर से। वैसे भी घर में ऑलरेडी मिट्टी है, तो मैंने डाल दिया लॉक। और जब तक सामान रखा है ना हमारा, जब तक घर में काम चल रहा है, तो इस वाले दरवाजे को ना मैं लॉक ही करके रखूँगी। और इधर सारा साफ़ कर देती हूँ वाइपर से। बस मैं नहाने ही जा रही हूँ और सोच रही हूँ मशीन में कपड़े भी डाल दूँ, क्योंकि लाइट चल रही है। आज बारिश भी हो रही है और लाइट भी चल रही है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ी सी बारिश होती है ना, लाइट सबसे पहले जाती है। तो मशीन में कपड़े डाल देती हूँ और मैं भी नहा लेती हूँ। तो मैंने अन्नू को भी नहला दिया था, तो अन्नू के पापा ने बोला कि लाओ मैं तैयार कर देता हूँ इसको। तो वही अन्नू अपने पापा से तैयार हो रही हैं और मैं भी नहा धो के रेडी हो जाती हूँ फटाफट। सो गाइज, अभी मैं एकदम नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आन्या को आन्या के पापा ने रेडी कर दिया था। अब जा रही हूँ छत पे। कब से उठी हूँ, जब से मैं नीचे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश ना एकदम बारिश धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है रात से। लेकिन हाँ, लाइट आज आ रही है। वैसे यहाँ बारिश होती है ना तो लाइट नहीं आती। अब जा रही हूँ छत पे, चाय वगैरह पीऊंगी, पूछती हूँ मम्मी से खाना पीना क्या बनेगा। बाबू गुच्छा हो गए। नहीं, हमें नहीं चाहिए फोन। अब वो कार्टून नहीं देखेगी तुम्हारे। कार्टून नहीं देखोगे? ऐसे दूध पियोगे? हाँ। बिना कार्टून के छोड़ दिए कार्टून देखना? अरे वाह, इसके लिए फोन है। अन्य नया फोन ले रही है। अन्य मेरी साइन देखे। ठीक है भाई, हम अपना फिर अब रख ले रहे, हम नहीं देंगे। गंदा फोन है बाबू, बड़े पापा लाएंगे नया फोन। इनको सड़ो फोन है। तो अभी मैं कर रही हूँ सब्जी कट। आलू की सब्जी बनेगी, सूखी सब्जी बनेगी। और हाँ, आज ना कोई भी काम पे नहीं आया है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वो लोग ना लेट हो गए थे, तो उन्हें तो उनके पैसे मिल ही जाते, लेकिन हमने ही मना कर दिया कि रहने दो आप। वैसे भी ना मतलब 10 तो बज ही गए थे। और अभी मैं ना इन आलू में नमक डाल के रख रही हूँ, क्योंकि इनका टेस्ट ना बहुत मीठा मीठा सा आता है, जो कि सब्जी बिल्कुल भी टेस्टी सी नहीं लगती है। और ये कल हमने मम्मी का रूम शिफ्ट किया था ना, तो उनके रूम में कुछ डब्बे रखे हुए थे, जैसे कि अचार के। मैंने आपको बताया था ना, किचन का पूरा सामान हमारी किचन में नहीं है, वो मम्मी के रूम में कुछ डब्बे रखे हुए थे। तो वही मैं सामान अच्छे से सेट कर रही थी, क्योंकि ना सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। मैंने कहा थोड़ा सा तो सेट कर दो, एटलीस्ट अच्छा तो लगना चाहिए। और ये जो मूंग की दाल थी, इसकी चीटियां जो है वो खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा डब्बे में भर के रख देती, क्योंकि कोई भी चीज खुली रखो, वैसे भी छत पे इतनी मिट्टी उड़ती है ना, तो कोई भी मतलब बर्तन धुल के रखो ना, तुरंत उसमें मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो ये शाम के बर्तन धुले हुए थे, इनको सेट कर देती हूँ मैं सारे बर्तनों को, और जो भी बर्तन है वो फटाफट से धुल के रख देती हूँ। और आज बारिश का मौसम है, तो मेरा तो मन कर रहा है पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ बन जाए, मतलब मम्मी से बोलूँगी। मम्मी भी बोल रही थी कि ना पकौड़ियाँ बना लेना आज तुम लोग, तो हम ही वही मैं और दीदी बनाएंगे, देवरानी जेठानी मिलके बनाएंगे, सास की फरमाइश को पूरा करेंगे। तो ये जो आलू रखे थे ना मैंने नमक डाल के, तो उनका मैंने पानी जो है वो निकाल दिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी धनिया हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को भी काट के रख दिया है मैंने, और नमक मिर्च पीस दिया था, मतलब खड़ी मिर्च होती है ना वो, और नमक, उन चीज़ों को पीस के तब इन आलू में पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सूखी सब्जी है, लेकिन मम्मी कह रही है पूड़ियाँ बना लो, तो मम्मी ने सब्जी छौंक दी है। मैं आटा लगा के भी रखाई हूँ, और अभी कुछ बर्तन हैं जिनको मैं धुल देती हूँ। और बारिश हो रही है, देख सकते हो आप लोग, बारिश में मतलब मैं ना गीली भी हो रही हूँ, मेरी साड़ी थोड़ी थोड़ी गीली भी हो गई थी, लेकिन क्या करें, बर्तन तो धुलने ही पड़ेंगे ना, यही होता है। मतलब जब हमारे घर में प्लास्टर हो रहा है तभी बारिश भी होनी थी। तो फटाफट से ये बर्तन निपटाती हूँ, और अभी आ गई हूँ मैं पूड़ियाँ सेकने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए गरम गरम पूड़ी और आलू की सब्जी खाने के लिए। तो आलू की सब्जी ना अभी मैंने कढ़ाई में रखी हुई है, परसी नहीं है, क्योंकि ना फिर ठंडी हो जाती, तो एक बार और गरम कर लूँगी जब सबको खाना खिलाऊँगी। एंड देन चाय भी बना ली थी मैंने, तो चाय और पूड़ी और आलू की सब्जी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना कुछ इसी टाइप का खाना अच्छा लगता है, ऑयली सा। तो चलो सब लोगों को खाना खिला देती हूँ और मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज, अभी खाना पीना खा के फ्री हो गए और बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं। लाइट आई नहीं, तो जनरेटर चला के थोड़ा सा पानी भर लिया था। बिंदी में कितना अजीब लग रहा है चेहरा। तो अभी जा रही हूँ मैं, कुछ एक दो काम है, उसके बाद रेस्ट करूँगी। और आज गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, रात से पूरी रात से बारिश हो रही थी, अब जाके मौसम खुला है, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कोई काम होगा तो वो निपटा लूँगी मैं।
और ना जो मैंने सुबह कपड़े डाले थे ना मशीन में, तो मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया है, जब मतलब एक बार छत पे चली गई उसके बाद मैं नीचे ही नहीं आई उतर के, जब सब सारे काम कर लिए तब आई हूँ मैं। और ये कपड़े फटाफट से निकाल देती हूँ, और अभी लाइट आ नहीं रही है, तो जो भी हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं थोड़े बहुत उनको भी मैं धुल के डाल ही दूंगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा तो है नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो जो हाथ से धुलने वाले कपड़े ना उनको धुल दूंगी, जो डेली यूज़ वाले, बाकी मैं रखे रहने दूंगी, जब लाइट आएगी तभी धुल दूंगी। तो ये कपड़े निकाल देती हूँ पानी से और छत पे डाल के आ जाती हूँ। फिलहाल बारिश रुकी हुई है और हवा भी चल रही है, तो थोड़े बहुत तो मतलब सूख ही जाएंगे कपड़े, उसके बाद अपना जहाँ भी डाल दो। और जब पानी निचुड़ता रहेगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कपड़े सुखाने में, और ड्रायर ख़राब होने की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी तो कुछ नहीं, जब सर्दियाँ आएंगी ना ये कपड़े तो फिर भी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों वाले कपड़े ना 3-3 दिन पड़े रहते हैं, अगर उन्हें ड्रायर से ना सुखाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं सोच तो रही थी मशीन, लेकिन अभी दीपावली की साइड देखेंगे, अभी तो नहीं। तो फिलहाल ये कपड़े जो हैं वो मैं सुखा देती हूँ, और सारे कपड़े मैंने क्लिप लगा दूंगी, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, तोड़ के ना इधर उधर चले जाएंगे। वैसे भी कोई कपड़ा नीचे गिर जाता है ना तुरंत उसमें इतनी मिट्टी लग जाती है ना, रेत रेत सा है, चाहे जितना साफ कर लो, अभी तो निकलने से रहा रेत, क्योंकि जब इकट्ठा साफ सफाई हो जाएगी ना घर की, तभी कुछ अच्छा लगेगा हमारा घर, और तभी मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी भी। तो अभी मैं ये पकौड़ियाँ बनेंगी, भैया सब्जी भी लेके आए थे, तो ये मोटी जो मिर्च होती है ना इनकी पकौड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब इसमें ना आलू का भरता भरो, उसके बाद बेसन में लपेटा जाता है इसको, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है स्पाइसी से एकदम। तो वही मैं उसका सारा सामान पकौड़ियों को बैठे बैठे सारी सब्जी काट देती हूँ, और मम्मी ने प्याज काट दिया था मतलब पकौड़ी के लिए, और दीदी ने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए, और राधिका का करा रही हूँ मैं ट्यूशन का होमवर्क, उसके जो ट्यूशन टीचर है ना वो बहुत ज़्यादा की पिटाई करते, तो मेरे पास रो के आती चाची आप ही पढ़ाया करो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सो अभी मैं बैठी हुई हूँ, माही आई हुई है, एक दो दिन के बाद मिली है माही मुझे, इसे फोन किया था। हाय गाइस, तो पकौड़ी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जो भी मतलब सब्जी वगैरह काटने को थी वो सारी कट करके रखाए हैं। आप सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना तब पकौड़ियां बनेंगी। क्या कर रहे हो बेटा, कुछ अच्छे से भी बोला करो। तो बस अभी बैठे हुए हैं, कपड़े जितने भी थे ना मैंने सब धुल दिए, मतलब पर्दे वगैरह भी धुले थे, कुछ थे अंदर वाले रूम में जिसमें प्लास्टर होगा उसके पर्दे सारे निकले, वो सारे वॉश कर दिए, मशीन भी वॉश कर दी। अभी बस हम लोग फ्री बैठे हैं, ये ऑफिस से आ जाएंगे उसके बाद बनेंगी पकौड़ियाँ वगैरह। तो अभी सब लोग आ चुके हैं और अभी होने लगी पकौड़ी की तैयारी। तो दीदी बेसन को घोल रही हैं, इसमें हींग जीरा नमक मिर्च जो भी पड़ता है पकौड़ियों में, वही बेसिक से मसाले वो मिला दिया है, और हरे धनिया भी डाल दिए हैं, और मैंने कट करके रख दिए हैं ब्रेड। तो सबसे पहले सारे ब्रेड जो है उनमें मैं स्टफिंग जो है वो भर दूँगी, और उसके बाद साइड में रख दूँगी। तब तक दीदी जो है अपना बेसन रेडी हो चुका है उनका, और पनीर दीदी ने पहले ही कट कर लिया था, तो पनीर की पकौड़ियाँ बनेंगी और ब्रेड पकौड़े बनेंगे और मिर्च के पकौड़े बनेंगे और प्याज वाले पकौड़े बनेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा स्पाइसी ना प्याज के पकौड़े ही होने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से जो मिर्च है वो भरी जाती है, मतलब मिर्च को हाफ कट किया था ना मैंने, तो उसके साइड में पूरा ऐसे भरता लगाओ जिससे उसका जो शेप है वो एकदम गोल आ जाए, एंड देन उसको बेसन में डिप करने के बाद कढ़ाई में फ्राई किया जाता है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसको खाओ हरी चटनी के साथ, अदरक वाली चटनी के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मेरे घर में सबको ये पसंद है, दीदी को छोड़ के, क्योंकि वो दीदी स्पाइसी ज़्यादा नहीं खा पाती हैं, लेकिन मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं यही वाली पकौड़ियों को सबसे ज़्यादा खाती हूँ। और आज ना ये पकौड़ियाँ मम्मी की फरमाइश पे बन रही हैं, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि प्याज की पकौड़ी बना लो, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि प्याज की बना रहे हैं तो फिर और भी थोड़ी सी बना लेंगे, थोड़े से ऑप्शन होते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। तो पकौड़ियाँ जो हैं कुछ इस तरीके से फ्राई हो रही हैं, और इनका मतलब जो साइज है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि बेसन में डिप किया था ना। तो ये इतनी सारी जो पकौड़ियाँ हैं वो आज हम लोग खाने वाले हैं, ब्रेड पकौड़े। मतलब बच्चे तो इतने खुश थे, क्योंकि बच्चों को तो यही सब पसंद होता है। और चटनी मैंने पहले ही मिक्सी में पीस के रख ली थी, तो गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं पकौड़ियाँ, अब इनको हम लोग निकाल लेंगे। अब जितनी भी पकौड़ियाँ होंगी उन सबको फ्राई कर लेंगे। और ये पनीर की पकौड़ियाँ हैं, ये वाली पकौड़ी राधिका की फेवरेट है, राधिका आलू की खाती है और पनीर की खाती है, बच्चों को ना यही पकौड़ियाँ पसंद होती हैं। बाकी मिर्च के पकौड़े तो बच्चे नहीं पसंद करते, मिर्च के हो गए और प्याज
चुके होंगे क्योंकि प्याज के पकौड़े में भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिर्च पड़ती है, सबसे लास्ट में ना वही बनते हैं, तो सब लोग ना मतलब कहते हैं सबसे लास्ट में एकदम तीखा सा कुछ होना चाहिए, वैसे तो मीठा खाया जाता है लेकिन सबको यहाँ पे कहते हैं लास्ट में वो वाली पकौड़ी दे रहा जो सबसे ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो ये पकौड़ियाँ जो फ्राई हो गई थी इनको ना बीच से कट कर रही हूँ, तभी थोड़ा सा खाने में अच्छी लगेंगी, और कट करके इन लोगों को दे देती हूँ। सब लोग खाना खा ही रहे हैं और खाना तो आज हड़ताल हो गया क्योंकि यही ऑलरेडी बहुत सारा है, वैसे तो ब्रेकफास्ट है लेकिन आज तो हमने डिनर में ही ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ये ब्रेड पकौड़े ना मतलब पता नहीं क्या हो गया था कि बेसन ना पूरा अजीब सा हो रखा है, और ब्रेड ना पता नहीं कौन से वाले थे, सब टूट से गए थे, तो उनका साइज भी अजीब सा लग रहा था देखने में। तो ये बन रही है प्याज की पकौड़ियाँ, आप देख सकते हो दीदी ने लाल मिर्च कितनी डाली, थोड़े से बेसन में, और हरी मिर्च मतलब पूरे में ना हरी मिर्च दिख रही है, और डाल दिया है प्याज। तो प्याज की पकौड़ियाँ और फ्राई कर लेते हैं और फिर हम लोग खाएंगे सबसे लास्ट में। तो ये वाली पकौड़ियाँ तो मेरी फेवरेट होने वाली हैं क्योंकि मुझे तो जितनी ज़्यादा पकौड़ियाँ स्पाइसी होंगी ना उतना ज़्यादा उसमें अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो सारी जो पकौड़ियाँ हैं वो हो चुकी हैं एकदम रेडी। तो ये हैं मिर्च की पकौड़ियाँ, और ये हैं ब्रेड पकौड़े, और ये हैं प्याज की पकौड़ियाँ, और ये है पनीर के पकौड़े, और ये है हमारी अदरक वाली चटनी। तो हम लोग भी खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, अभी खाना पीना खा लिया था और बिंदी भी हट गई, देख रहे हो मैं ना सो गई थी एकदम से ना, खाना खा के आई ना, वीडियो एडिटिंग करते करते ना नींद से आ गई, मैंने कहा ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं मैंने, और देखो साड़ी का पिन भी हट गया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी खा के ना, बारिश के मौसम में तो वैसे भी पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। सो आई होप कि वीडियो आपने इन्जॉय की होगी, आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप एक लाइक दे दीजिए, बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने प्यार प्यारे कॉमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।